नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन भूल कर भी ना खरीदे ये वस्तुएं, होती है अशुभ। माँ लक्ष्मी हो जाती है रुष्ट, घर में होता है गरीबी और दरिद्रता का वास, होता है भारी नुकसान। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों दीपावली का पावन पर्व कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा। यह रोशनी और खुशियों का त्योहार होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी समृद्धि की देवी। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री गणेश से विघ्न हरता। भगवान श्री गणेश का पूजन करने से जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। इस बार दीपावली शनिवार के दिन है और नवरात्रि की स्थापना भी शनिवार के दिन हुई थी। यह एक बड़ा मंगलकारी योग है और इस बार शनिवार के दिन दीपावली होने के साथ ही शनि देव भी अपनी स्वराशि मकर राशि में होंगे और इससे यह दीपावली और भी ज्यादा शुभ हो गया है। इस बार दीपावली पर यह दौलत समेत पूरी और 499 साल बाद बना है। दोस्तों दीपावली का पावन पर्व धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। सामान्यतः धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले आता है, लेकिन इस बार धनतेरस से बड़ी दीपावली से सिर्फ 1 दिन पहले ही आ रहा है। इस बार द्वादशी तिथि 12 नवंबर की रात 9:31 से शुरू हो जाएगा, जो 13 नवंबर को शाम 6 बजकर तक रहेगा। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी, धनाध्यक्ष कुबेर जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है और 13 नवंबर को ही प्रदोष काल के समय धनतेरस का पर्व होगा, इसलिए इस बार धनतेरस से 13 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 13 नवंबर की शाम 5:28 से शाम 5:59 तक। यह मुहूर्त कुल 30 मिनट का होगा। धनतेरस वही पावन दिन है जिस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लिए समुद्र से बाहर आए थे, इसीलिए धनतेरस पर गर्दन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में धनतेरस का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि धनतेरस पर जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाता है, इसीलिए लोग धनतेरस पर सोना चांदी और आभूषण खरीदते हैं, जिससे उनके घर में 13 गुना वृद्धि हो जाए। धनतेरस पर शुभ वस्तुएं खरीदने से धन संपदा में वृद्धि होता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इस दिन कुछ वस्तुओं को भूलकर भी ना खरीदना चाहिए, अन्यथा अशुभ हो जाता है। धन में वृद्धि होने की जगह धन में हानि हो जाता है, साथ ही माता लक्ष्मी की रुष्ट जाती है। तो आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इसे कौन सी वस्तु है जिसे आप इस धनतेरस के दिन भूल कर भी अपने घर न लाएं, वरना इससे आपको लाभ के स्थान पर हानि होगा। दोस्तों सबसे पहली वस्तु है बर्तन। अधिकतर लोग धनतेरस के दिन बर्तन ही खरीदते हैं और बर्तन खरीदना शुभ भी होता है, लेकिन यह बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के बर्तन खरीदते हैं। कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनके अगर आप बर्तन धनतेरस के दिन खरीदेंगे तो इससे आपको लाभ नहीं बल्कि उसके स्थान पर हानि होगा। नॉर्मली हम सभी अपने घर में स्टील की बर्तन इस्तेमाल करते हैं और स्टील के बर्तन ही धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं।
अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप कभी भी भूल कर भी धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन घर पर खरीद कर ना लाएं, क्योंकि स्टील राहु की कारक है और धनतेरस के दिन स्टील धातु की कोई भी सामान घर लाना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन प्राकृतिक धातुएं ही ताना शुभ होता है, जबकि स्टील मानव निर्मित धातु है। इसके अलावा एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है, इसलिए धनतेरस पर अगर एल्युमिनियम के बर्तन आप घर लाएंगे तो उससे साथ ही आप दुर्भाग्य को भी अपने घर ले आएंगे। धनतेरस के दिन स्टील एवं एल्युमिनियम के बर्तन, लोहे की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहा शनि का कारक माना गया है। मान्यता है धनतेरस के दिन इस धातु से बने चीजें खरीदने से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी खरीदना अशुभ माना जाता है, इससे स्थायित्व और परकत में कमी आता है। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं भी खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि चीनी मिट्टी के सामान लंबे समय तक सुरक्षित और स्थायी नहीं रहता, अतः इससे घर में बरकत कमी आती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन गलती से भी कांच या शीशे का बना सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शीशे का संबंध भी राहु से होता है, जो घर की शुभता में कमी लाता है। इससे जातक को काफी नुकसान होता है। इसीलिए दोस्तों, आप धनतेरस पर बर्तन तो अपने घर अवश्य ही लाएं, लेकिन वह बर्तन सोना चांदी या पीतल का होना चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन लाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप खाली बर्तन को कभी भी घर में ना लाएं, यानी कि दुकान से कुछ अनाज लेकर आप बर्तन में भर ले, अनाज दान तो पानी भर कर लाएं। अगर बर्तन को घर लाएं तो बिल्कुल भी खाली बर्तन घर में ना लाएं, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगली चीज है झाड़ू। आप सभी सोच रहे होंगे कि आपको बड़ी बुजुर्ग तो हमेशा कहती हैं कि धनतेरस पर झाड़ू लानी चाहिए और हमें धनतेरस पर झाड़ू अवश्य ही घर लेकर आती हैं, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का ही रूप है। झाड़ू घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर करता है। यह सभी बातें सही। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, इससे गरीबी दूर होती है। झाड़ू घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और इससे पैसों की तंगी भी दूर होता है, क्योंकि शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना गया है। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू तो अवश्य ही खरीदे, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस के दिन कितनी झाड़ू खरीदे और झाड़ू को किस तरह से अपने घर लाए, क्योंकि अधिकतर लोग इसी चीज में गलती कर जाती हैं और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हम सभी अधिकतर धनतेरस के दिन एक या दो झाड़ू घर कर लाते हैं और यही हम गलती कर जाती हैं, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस पर एक साथ तीन झाड़ू खरीद कर घर लाने चाहिए। तीन झाड़ू साथ में खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन भूल कर भी एक झाड़ू या फिर दो या फिर चार के जोड़े में झाड़ू भी नहीं खरीदने चाहिए। झाड़ू साइज में बहुत बड़े होती हैं, तो अधिकतर लोग रिक्शे में या फिर स्कूटर वगैरह पर पैरों में झाड़ू को रखकर घर लाती हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक रूप है, इसलिए झाड़ू को पूरे सम्मान के साथ हाथों में पकड़कर घर लाना चाहिए और धनतेरस पर खरीदे हुए झाड़ू से बड़ी दीपावली के अगले दिन यानी कि अन्नपूर्ण के दिन सूर्य उदय से होने से पहले ही घर में झाड़ू लगानी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस से एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें नहीं खरीदते जाइए। धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करने निकले तो चाकू, कैंची या दूसरी धारदार हथियारों को भी ना खरीदे। दीपावली पर गिफ्ट देने का चलन है,
यह गिफ्ट अधिकतर लोग धनतेरस की शॉपिंग के दौरान ही खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी ना करना चाहिए। आप किसी को भी गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वह गिफ्ट आप धनतेरस से पहले ही खरीद ले, धनतेरस के दिन ना खरीदे। गिफ्ट देना तो शुभ माना जाता है, लेकिन धनतेरस के दिन किसी को देने वाला गिफ्ट ना तो खरीदे और ना ही किसी को पहले से ही लिया हुआ गिफ्ट दे। इसके पीछे तर्क यह है कि किसी को तोहफा देने का मतलब है आप अपने घर के रुपया खर्च कर रहे हैं, और धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी अपने रुपए दूसरे के लिए खर्च करना अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और पूरी साल धन की समस्या बनी रहती है। धनतेरस के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, धनतेरस के दिन अधिकतर लोग शॉपिंग करने जाते हैं और ड्रेस से चीज मैचिंग ज्वेलरी भी खरीद कर घर लाते हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना खरीदे, और अगर आप सोना खरीदते हैं तो यह भी ध्यान रखें कि वह नकली सोना ना हो, नकली सिक्के ना हो, क्योंकि नकली सोना खरीदना या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पाद जैसे घी, रिफाइन इत्यादि लाने के लिए भी बड़ा क्या मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए घी और तेल की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह चीजें आप पहले से ही खरीद कर रख ले। कई घरों में धनतेरस के दिन कार खरीदने, बाइक या स्कूटी खरीदने की भी विषय बनाई गई है, क्योंकि यह तो शुभ माना जाता है। लेकिन मान्यताओं के मुताबिक अगर आप धनतेरस के दिन काली स्कूटी या बाइक घर लाते हैं, तो उसका भुगतान आप एक दिन पहले ही कर ले, धनतेरस के दिन ना करें। दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और धन संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और धन का लाभ पाते हैं, तो आप धनतेरस के दिन भूल कर भी इन वस्तुओं को खरीद कर अपने घर ना लाए। धनतेरस की खरीदारी करते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखे, जय माता दी लिखे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।